एक है राधा और एक है कृष्ण, जो एक ये भगवान का रास मंडल है, यही भगवान रास को रास। हम निकल चुके हैं आगरा फोर्ट से और हमें मिल गया ये टेस्टी टेस्टी पेठा, आगरा का मशहूर पेठा, पंछी पेठा। तो हम ले लेते हैं यहाँ से पेठा और आपको रेट लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ की रेट लिस्ट और हम डायरेक्ट जाएंगे अब निधिवन के लिए। तो मिलते हैं आपको निधिवन में। हम पहुँच गए निधिवन, तंगलियों से गुजर के हम अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ में ज़रूर थोड़ी सावधानी रखना, जो भी आ रहा है भाई चश्मे पहन के ना आए, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर है ना वो बड़े खतरनाक है, चश्मा खींच लेते हैं लोग, इसलिए चश्मों का विशेष ध्यान रखें जो भी भाई आ रहा है, और मोबाइल वगैरह है उसका भी विशेष ध्यान रखें, नहीं तो उसको लेने में भाई आपको बड़ी तकलीफ हो सकती है। और सामने निधिवन, करते हैं फटाफट एंट्री और गाइड के साथ आपको आज घुमाएंगे पूरा निधिवन, गाइड रखेंगे साथ में और दर्शन कराएंगे निधिवन के। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो, लोग ताली बजा लो, बोला राधे राधे बोलो भगवान की नगरी, राधे 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 राधे। भैया जी आप लोग अपने घर से वृंदावन वृंदावन बोल करके आए हो ना, 550 साल पहले ये पूरा वृंदावन ऐसा ही तुलसी का जंगल था, बिंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल, तो इसी जंगल के अंदर में आज भी रात को राधा कृष्ण भगवान या रास लीला करने के लिए आते हैं, यहाँ कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं और राधा रानी उनके साथ में रास पढ़ती है, तो यही कृष्ण भगवान ने हंसते हंसते राधा रानी के संग में रास लीला किया, हंसते हंसते राधा रानी की मनोकामना वृंदावन में पूरा किया, तो वृंदावन को बोला जाता है मनोकामना का स्थान। तो रात को 8 बजे के बाद में ये मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर के अंदर में पंडित जी चांदी के लोटे में जल लेकर के आते हैं, चांदी की कटोरी में 4 लड्डू लेकर के आते हैं, 4 पान के पत्ते लेके आते हैं, 4 लंबी लंबी दांतों लेकर के आते हैं, माता बहने राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार लेकर के आती हैं, जो कृष्ण भगवान अपने हाथ से राधा रानी और अपनी गोपियों को बैठ करके रात को श्रृंगार करते हैं। एक मंदिर में भगवान को सोने के लिए चांदी का डबल बेड रखा हुआ है, उसके ऊपर में 2 तकिया और 1 चद्दर बिछा के पंडित जी मंदिर को बंद करके दरवाजे के 7 ताले गेट के मार के चले जाते हैं, और सुबह 5:30 बजे के बाद में जब पंडित जी मंदिर खोलने के लिए आते हैं तो देखते हैं भैया जी मंदिर के 7 ताले खुले हुए पाते हैं, मंदिर का फाटक खुला हुआ रहता है, लुटिया में देखते हैं पानी पिया हुआ रहता है, कटोरी में देखते हैं लड्डू फूटे हुए पाते हैं, राधा रानी का श्रृंगार मंदिर में गिरा हुआ बिखरा हुआ फैला हुआ रहता है, क्यों जब सुबह राधा रानी गोपी जाती है ना अपने सारे श्रृंगार को उतार के मंदिर के अंदर में छोड़ के चली जाती है, जब रात को राधा कृष्ण भगवान या रासलीला करने के बाद में थक जाते हैं तो चांदी के डबल बेड पर जाके सो जाते हैं, तो रात को इसके अंदर में से बंदर चिड़िया कबूतर तोता चेटी रात को सब बाहर चले जाते हैं, अगर जो रात को इसके भीतर में रुक जाते हैं वो सुबह गिरे हुए मरे हुए अंधे हुए बहरे हुए पागल हो जाते हैं। आप लोग जो पेड़ देख रहे हो यही रात को कृष्ण और यही रात को गोपी बन जाती हैं और सुबह यही तुलसी बन जाती है, तो जब से हम इसको बोलते हैं तुलसी वन, हम लोग इसको वृंदावन भैया जी 3 नामों से बोलते हैं, पहला बोलते हैं इसको निधिवन, दूसरा इसको बोलते हैं मधुवन और तीसरा इसको बोलते हैं तुलसीवन। तो जय बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, ताली बजा लो सब लोग एक साथ राधे राधे बोलो भगवान की नगरी में राधे राधे, बताऊंगा अंदर बताऊंगा से जुड़े हुए हैं राधा और कृष्ण की तरह, राधा और कृष्ण की तरह कोई सिंगल पेड़ नहीं है, सबका जोड़ा है या एक दूसरे का, क्यों यही रात को कृष्ण और गोपी बन करके रासलीला करती है, बोलो तुलसी मैया की जय। ये वृंदावन की जटा और लटा है, एक है राधा और एक है कृष्ण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है लटा और जटा, आप लोग अपने घर में बैठ के भजन गाते हो वृंदावन की जटा लटा में राधे राधे, तो ये वृंदावन की जटा लटा है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, माथा दे दो प्रणाम रानी की जय हो। ये देखो भैया इसके भीतर में कुआ है, कुएं का नाम है ललिता कुंड, कृष्ण भगवान की सखी का नाम था ललिता, कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के संग में रामलीला करते थे, रामलीला
क्या करते करते 6 महीने हो गए गोपियों को और सारी गोपी थक गई और थकने के बाद बोली प्रभु अब हमको प्यास लगी है हमको पानी पीना है और एक जंगल के अंदर में कहीं पानी नहीं है पीने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने अपने बंसी से स्वयं कुंड को खोदा, कुंड खोदने के बाद में जमीन से कुआं निकाला तो कुएं में से निकाल करके सारी गोपियों को सखियों को राधा रानी को बैठा करके यहाँ पानी पिलाया तो इस कुंड का नाम रखा ललिता कुंड। तो अंदर ललिता कुंड है या गोपियों ने पानी पिया और दर्शन कर लिया। चलो भैया बढ़ते रहो चिंता हो गया तो नाम पड़ गया ललिता कुंड। राधे राधे इसमें अभी नहीं। ये प्रकट हुई है ये स्वामी हरिदास जी इन्होंने निधि वन में बैठकर जो तपस्या भजन करके बिहारी की मूर्ति को प्रकट किया है। वहीं से वहाँ के बिहारी प्रकट हो के मंदिर में जाके वहाँ के बिहारी मंदिर में तो ये स्वामी जी की समाधि बनी हुई है इसके अंदर में जिन्होंने यहाँ से वहाँ के बिहारी ये भैया राधा रानी का लड्डू है। यही रात को भगवान आते हैं जो लड्डू खाती है राधा रानी पानी पीते हैं कृष्ण भगवान चांदी का डबल बेड रखा हुआ है जहाँ भगवान सोते हैं उसके ऊपर में बिखरा हुआ राधा रानी का श्रृंगार पड़ा हुआ है। जब सुबह राधा रानी गोपी जाती है ना अपने श्रृंगार को यही उतार के चली जाती है और बाहर से पंडित जी 7 ताले मारते हैं गेट के और सुबह आके देखते हैं वो दरवाजे खुले हुए रहते हैं। यही भगवान रात को नीला करते हैं अपने हाथों से राधा रानी को श्रृंगार करके आगे रात लीला करने के लिए चले जाते हैं भगवान। राधे 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 जय बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भैया जी ये भगवान का रास मंडल है ये यही भगवान रात को रास लीला करते हैं। ये कृष्ण की गोपी है ये सारी गोपियों को भगवान अपने हाथों से बैठ करके रात को श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार होने के बाद में जब कृष्ण भगवान या बंसी बजाते हैं और सारी गोपी के संग में भगवान रास लीला करते हैं तो कृष्ण जी का नाम पड़ गया रास प्यारी। बोलते हैं अपने घर में ये कृष्ण नाम रखा था ये गोपियों ने उसका नाम रास प्यारी रखा था और इस जगह का नाम है रास मंडल। यही भगवान रास लीला करते हैं और इस जगह का नाम क्या है इसको निधिवन नहीं बोलते हैं इसको बोला जाता है मधुवन। कभी आपने गीता में भागवत में पढ़ा हो तो क्या लिखा हुआ है मधुवन में राधिका नाची और कृष्ण की मुरलिया बाजी तो इसका नाम है मधुवन। हम लोग इसको निधिवन के नाम से नहीं बोलते निधिवन के नाम से तो भक्त लोगों ने फेमस करा दिया भैया जी इसका नाम है मधुवन। मधुवन में भगवान रोज रास लीला करते हैं और सुबह 4 बजे के बाद में राधा कृष्ण भगवान जा करके सो जाते हैं। अब आप भी लोग बंसी चोरी राधा रानी खड़ी हुई है जो कृष्ण की बंसी और कृष्ण के मुकुट को चोरी करके ले आई है यहाँ पे। कारण कृष्ण भगवान वृंदावन में क्या चोरी किया करते थे गोपियों के माखन से माखन और नाम पड़ गया कृष्ण जी का माखन चोर। ये वृंदावन किसका नगरी है चोर का नगरी घर में चोरी की राधा रानी ने क्या चोरा के लाई कृष्ण की बंसी। तो हमारे वृंदावन में चोरों की सरदार कौन बनी है राधा रानी। एक तरफ तो ललिता है और एक तरफ विशाखा ये कृष्ण की पटरानी है ललिता और विशाखा बीच में बंसी चोर राधा रानी।
बोलो राधे राधे। वहाँ का समाधि बना हुआ है, जो जो रात को देखने के लिए रुक गए थे ना छुप छुप करके, जिनको विश्वास नहीं था यहाँ भगवान आते हैं, तो सारे भक्त लोगों ने भगवान का दर्शन किया, तो कोई अंधा हो गए, कोई पागल हो गए, कोई मर गए, तो उनकी यह समाधि बना दी है, इसलिए रात को कोई नहीं देख सकता इसके अंदर में। अगर कोई बंदर, कोई चिड़िया, कबूतर भी रुक जाएगा, रह जाएगा, वो सुबह तक पड़ा हुआ, मरा हुआ, भरा हुआ हो जाता, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो सबकी समाधि के दर्शन है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो राधे। राजा हाथ जोड़ लो, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, थोड़ा ताली बजा लो ना खस के, राधे राधे बोलो, भूमि को प्रणाम कर लो माथे से लगा। ठीक है भैया, ये थे निधिवन के दर्शन। अब चलते हैं बाकी भी आइए और आपको करवाएंगे बाकी भी अन्य दर्शन।